हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश त्यागी और ये मेरा पहला अनुभव है किसी पोएट्री कॉन्फ्रेंस में। सो अगर मुझसे कोई भूल हो, कुछ गलती हो, तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। और मैं अपना शुरू करने से पहले द वेंचर क्रिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, यहाँ पे सम्मिलित होने का अपने साथ मौका दिया मेरे को। तो मेरी आज की एक पोएम है दर्दे मुस्कान। मैं जिसे शुरू करने से पहले एक मतलब कहना चाहूँगा जो इसी से रिलेटेड है। तो यूँ है कि अपने दर्द ए तकलीफ ए गम को मैंने कुछ यूँ बस में कर रखा है, अपने दर्द ए तकलीफ ए गम को मैंने कुछ यूँ बस में कर रखा है, किसी को कानो कान खबर नहीं मैंने दिल में क्या दबा रखा है। झूठी हंसी की चादर ओढ़ के अपने जख्मों को छुपाता हूँ, झूठी हंसी की चादर ओढ़ के अपने जख्मों को छुपाता हूँ, रात भर अकेला रोता हूँ मैं और दिन भर सबको हंसाता। मेरी पोएम जो है दर्दे मुस्कान, उसको शुरू करना चाहूंगा। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मैं उसमें आप सभी की तारीफें चाहूंगा। यूं है कि वो यूं ही नहीं इतना मुस्कुराता है, किसी अपने ने दर्द दिया होगा। वो यूं ही नहीं इतना मुस्कुराता है, किसी अपने ने दर्द दिया होगा। और बाहर से जितना मजबूत है वो, अंदर से पूरा कमजोर होगा। कहीं डगमगा न जाए उसके हंसने का ये हुनर, कहीं डगमगा न जाए उसके हंसने का ये हुनर, दर्दों की नींव पे घर बना रखा होगा। जो लहजा इतना प्यारा है उसकी बातों का, वो भी उसने गमों से कमा रखा होगा। वो यूं ही नहीं इतना मुस्कुराता है, किसी अपने ने दर्द दिया होगा, किसी अपने ने दर्द दिया होगा। कभी जरा देखो गौर से उसकी आंखों में, तो शायद वो पत्थर नजर आ जाए। कभी जरा देखो गौर से उसकी आंखों में, तो शायद वो पत्थर नजर आ जाए, जो पलकों के पीछे उसने आंसू छुपा रखा होगा। वो खुदा भी हैरान है इस बात पे, वो खुदा भी हैरान है इस बात पे, आखिर वो इतना सब कैसे छुपाता होगा। पर तुम्हें फुर्सत कहां, तुम उससे मिलते हो तो बेफिजूल की बातें उठाने लगते हो, उसकी बातें सुन सुनकर खुद को हंसाने लगते हो। पर क्या कभी तुमने उसे समझना चाहा, उससे नहीं उसके दर्दों से मिलना चाहा, उसके चेहरे के पीछे के चेहरे को पढ़ना चाहा, उसकी चिल्लाती हुई खामोशी को सुनना चाहा। नहीं ना, कभी मिले वक्त तो जरा बैठना और सुनना और पूछना उससे कि यार आखिर तू इतना सब कैसे कर लेता होगा, कि यार तू आखिर इतना सब कैसे कर लेता होगा। वो यूं ही नहीं इतना मुस्कुराता है, किसी अपने ने दर्द दिया होगा, जरूर किसी अपने ने दर्द दिया होगा। और वो जो अपनेपन की दुकान खोले बैठे हैं उसके कूचे में लोग, कूचे गली, जो अपनेपन की दुकान खोले बैठे हैं उसके कूचे में लोग, वक्त आने पे किसी ने उसका साथ नहीं दिया होगा, वक्त आने पे किसी ने उसका साथ नहीं दिया होगा। और वो बड़ा खुश मिजाज रहता है दिन भर यूं ही, वो बड़ा खुश मिजाज रहता है दिन भर यूं ही, वो बड़ा खुश मिजाज रहता है दिन भर यूं ही, जरूर रात में उसका तकिया गीला होता होगा। जरूर रात में उसका तकिया गीला होता होगा, और एक समुद्र दफन है उसके अंदर पूरा का पूरा, एक समुद्र दफन है उसके अंदर पूरा का पूरा, जो बड़े से बड़े तूफान पर भी सुनामी नहीं दिखाता होगा। वो यूं ही नहीं इतना मुस्कुराता है, किसी अपने ने दर्द दिया होगा। शायद कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी उसके सर पे जरूर,
शायद कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी उसके सर पे जरूर। वो भूखे पेट रहकर पैसे नहीं बचाता होगा, वो भूखे पेट रहकर यूं ही पैसे नहीं बचाता होगा। और वो खुद में एक कश्ती है, खुद में एक लहर, खुद में एक किनारा। वो खुद में एक कश्ती है, खुद में एक लहर, खुद में एक किनारा। अगर सुननी हो दास्तां उसकी तो वक्त निकाल कर बैठना, अगर सुननी हो दास्तां उसकी तो वक्त निकाल कर बैठना। वो अपने आप में किसी अहले कलम का किस्सा होगा, अहले कलम साहित्य का, तो वो अपने आप में किसी अहले कलम का किस्सा होगा। वो यूं ही नहीं इतना मुस्कुराता है, जरूर किसी अपने ने दर्द दिया होगा।